क्वेश्चन नंबर 15 पे, है ना, कह रहा है कि वन कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब एक 52 कार्ड्स का पत्ता है, उसमें से एक कार्ड को हम रेंडमली निकाले बिना देखे हुए, अच्छी तरह से फेंटी गई है। वेल्ड सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स का मतलब ये होता है कि अच्छी तरह से फेंटी गई ताश में से आप एक कार्ड को निकाले हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ। फिर बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। वो पूछना चाहता है कि ई और एफ जो इवेंट्स दिए गए हैं वो क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। सबसे पहली बात कि ई इवेंट और एफ इवेंट है क्या, तो ई इवेंट है हमारा, अगर हमको इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि नहीं अगर चेक करना है तो हमको किसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को चेक करना होगा कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर एफ के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैथमेटिकली चेक करने का यही तरीका है। अब बताओ अगर आपने एक कार्ड निकाला है और ई इवेंट बनाया गया आपका ई इवेंट कि द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, तो स्पेड की संख्या कितनी होती है 13। स्पेड की संख्या कितनी होती है 13। स्पेड 13, क्लब 13, हर्ट 13, डायमंड 13 और 13 चौके 52, 52 ताश तैयार होता है ना। 13 स्पेड, 13 हर्ट, 13 डायमंड और 13 क्लब, तो 13 हो गया इवेंट ई। फिर बोल रहा है एफ इवेंट के बारे में, तो एफ इवेंट कितने होंगे, द कार्ड ड्रॉन इज एसे। अब 4 कार्ड एसे का होता है, तो 4 कार्ड एसे का होता है तो एक कार्ड स्पेड का होगा, एक कार्ड हर्ट का होगा एसे का, और एक कार्ड डायमंड का होगा ऐसे का, और एक कार्ड होगा क्लब का। तो इसका मतलब जो एफ इवेंट है हमारा एक का होने का, वो होगी उसकी संख्या होगी 4। लेकिन अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो वो होगा 1, क्योंकि 13 चौके 52, 13 कार्ड हैं, उसमें से जो 4 कार्ड थे इक्का के उसमें से एक कॉमन होगा, क्योंकि एक स्पेड का कार्ड होगा तो एक कॉमन होगा। तो अब जो है इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है ई इंटरसेक्शन एफ की, ई इंटरसेक्शन एफ की, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं ई इंटरसेक्शन एफ की संख्या 1 होगी, नंबर ऑफ, है ना। तो अब जो है प्रोबेबिलिटीज़ की बात की जाए, है ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी के मतलब कि नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की संख्या 1 है और टोटल ताश 52 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होगी, ई के होने की प्रोबेबिलिटी 13/52 और इनटू एफ के होने की प्रोबेबिलिटी 4/52, 4/52 एक क्या होने की, है ना। काटते हैं आप, 13 एकम 13, 13 चौके 52, फिर 4 एकम 4 और 13 चौके 52 होता है, तो 13 एकम 4 से काट रहे हैं तो 4 एकम 4, 4 3 12, तो फिर क्या आया 13 चौके 52 और ऊपर 1 एकम 1, तो फिर से ध्यान से देखो ये भी 1/52, ये भी 1/52। ये क्लियरिफाई करता है कि इवेंट्स ई एंड इवेंट्स एफ आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, हो गया। अब इसी का दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट भी है, उसको भी करते हैं, ठीक है, प्रिंट कर लीजिए इस चीज को। चलिए दूसरा पार्ट देखिए, इसका वही कहानी है, 52 पत्ता के ताश में से एक कार्ड निकाला गया, बताना है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं कि नहीं। ई इवेंट बोला गया कि द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, जो कार्ड आप निकाले हो 52 पत्तों के ताश में से वो ब्लैक हो, तो पहले ये बताओ कि ई इवेंट का मतलब कार्ड का ब्लैक होना। अब तुम जानते हो कि 52 पत्ता में से 26 ब्लैक होता है और 26 रेड होता है, तो नंबर ऑफ जो इवेंट्स होगा वो होगा 26। अब एफ की इवेंट्स की संख्या कितनी होगी, तो एफ है द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, तो 4 किंग होता है भैया, तो 4 किंग,
अब ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई का मतलब ब्लैक कार्ड होना, एफ का मतलब किंग होना। अब 26 गो रेड है, 26 गो ब्लैक है, तो 2 गो रेड होगा और 2 गो ब्लैक होगा किंग में, इसका मतलब 2 गो कॉमन होगा, क्योंकि 2 गो किंग जो होगा वो ब्लैक कलर का होगा और 2 गो जो किंग होगा वो रेड कलर का होगा। 26 है, 26 गो रेड, 26 गो ब्लैक, तो 4 गो किंग होता है, तो 2 गो ब्लैक, 2 गो रेड। अब बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर चेक करना है हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ तो भैया 2 है और टोटल जो है वो 52 तास है, तो 2/52 यानी कि 1/26, 2×2=4, 2×6=12। इधर ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 26/52 और किंग होने की प्रोबेबिलिटी 4/52। अब काटो इसको, 26×52 होता है और 4×4 13×52 होता है, तो ये फिर से 1×1 ऊपर और नीचे 13×26, फिर से 1/26 के बराबर। दिस इंप्लाई लिख दोगे कि ई एंड एफ आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि बराबर आ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट इसका। चलिए अब इसका तीसरा पार्ट है। ई इवेंट बोला है हमको कि द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन, मतलब या तो किंग का हो कार्ड ई इवेंट, मतलब ई जो इवेंट है वो किंग का हो, यूनियन क्वीन का हो, इसमें से कोई भी हो। तो भैया 4 को किंग होता है और 4 को क्वीन होता है, किंग का क्वीन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब डायरेक्ट कॉमन पूरा किंग और पूरा क्वीन होगा, मतलब 8 गो तास होगा तुम्हारा किंग का और क्वीन का। तो उसकी जो संख्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन किंग यूनियन क्वीन का, वो होगा आपका 8। अब आ जाते हैं एफ इवेंट के बारे में सोचते हैं। तो द कार्ड इज ड्रॉन इज क्वीन और जैक, तो क्वीन भी भैया हमारा और का मतलब यूनियन या जैक, तो क्वीन भी 4 होता है, ये भी 4 होता है, 8 इसकी संख्या एफ इवेंट की। अब दोनों में कॉमन की बात आती है कि ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब कॉमन, तो किंग था इसमें, इसमें क्वीन था, इसमें क्वीन था, इसमें जैक था, तो क्वीन वाला कार्ड कॉमन होगा, तो 4 को कार्ड कॉमन होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो 4 है। तो अब बताओ जो प्रोबेबिलिटी है ई इंटरसेक्शन एफ का, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब कि कार्ड या तो इवेंट ई और एफ में से दोनों में से दोनों का दोनों हो, तो भैया क्वीन होगा तभी ना, मतलब 4 होगा क्योंकि क्वीन दोनों में है, तो ये 4/52 होगा यानी ये कट के आएगा 13, 1/13। ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 8 कार्ड है इसमें और टोटल जो है वो 52, तो 8/52 गुने एफ इवेंट होने की, तो एफ इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी 8/52 है, तो ये तो नहीं आने वाला है शायद, देखते हैं। वैसे 4 से काटो, 4×8 4×4 4×12 फिर 4 से कटेगा, 4×8 4×4 4×12 तो ऊपर आया 2×4 और नीचे आया 13×13 का 169, कहाँ बराबर आया, ये 1/13 है और वो 4/169 है, मतलब इस केस में, तीसरा केस में केवल ई और एफ इवेंट जो है वो नॉट इंडिपेंडेंट होगा। तो दिस इंप्लाई लिख दोगे कि दिस इंप्लाई ई एंड एफ आर द नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।